नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह। और तर्क संग्रह बीए फाइनल क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और तर्क संग्रह में आज हम पढ़ेंगे पदार्थ प्रकरण में जो बिंदु है हमारा गुण। जो तर्क संग्रह है अन्नम भट्ट ने जो तर्क संग्रह लिखी है, उस तर्क संग्रह में 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो ये जो 7 पदार्थ हैं, उन 7 पदार्थों में हमारा दूसरा जो पदार्थ है वह कौन सा है? गुण। तो जब तर्क संग्रह में हम पढ़ते हैं तो जो गुण हैं उन गुणों के विषय में बताया गया है कि जो दूसरा पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? गुण होता है। अब ये गुण 24 स्वीकार किए हैं, मैंने आपको बताया था, उद्देशस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, यानी किसी वस्तु को अगर नाम मात्र से कह देते हैं तो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। यानी किसी वस्तु का केवल हम नाम कहते हैं। तो ये जो सूत्र है जो अन्नम भट्ट ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, 24 गुणों के बारे में किया है कि ये 24 गुण होते हैं। कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कारा, चतुर्विंशति गुणा। कि ये 24 गुण हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि ये जो 24 गुण हैं इनमें ही आपके जो प्रमाण हैं, प्रमाण चतुष्टय जो 4 प्रमाण हैं उनको भी इसी में वर्णन किया गया है। तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो संदर्भ कॉमन रहेगा, उसके बाद जब आप प्रसंग लिखते हैं इसका, तो प्रसंग में आपको क्या करना है कि ये जो प्रसंग है कि इस सूत्र में, या फिर आप ऐसे लिखेंगे इस गद्य में गुणों का वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं कि, अब फिर उसके बाद आप इसका अनुवाद लिख देंगे। अनुवाद में आपको इन 24 गुणों के नाम ही लिखने हैं, लेकिन टॉपिक अनुवाद नहीं डालना है। हमको क्या करना है कि उस पर व्याख्या टॉपिक डालेंगे हम, और जब व्याख्या टॉपिक डालेंगे तो फिर हमको क्या करना है, व्याख्या डालने के बाद पैराग्राफ बदलेंगे और इसका जो दूसरा प्रकरण है गुण प्रकरण तीसरा, तो ये जो गुण प्रकरण है आप उस गुण प्रकरण के अनुसार उसमें वर्णन करेंगे। कैसे? कि जैसे गुण प्रकरण है तो गुण प्रकरण में जो पहला गुण है वो कौन सा है? रूप। तो अब ये जो रूप का वर्णन करते हुए तीसरे प्रकरण में क्या कहा है कवि इसने अन्नम भट्ट ने कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि चक्षु के द्वारा यानी नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य गुण होता है उसको क्या कहते हैं हम? रूप कहते हैं। यह प्रक्रिया हमें कब करनी है? जब हम मान लीजिए पहला जो जैसे आपने व्याख्या डाल दिया और व्याख्या के बाद आपने इसका अनुवाद कर दिया, फिर पैराग्राफ बदलेंगे और पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, अर्थात रूप का वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट ने कहा है चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि चक्षु के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य गुण होता है उसको क्या कहते हैं हम? रूप कहते हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि रूप के भेद 7 होते हैं, तो इसी प्रकार से आप रूप के भेदों के विषय में वर्णन कर देंगे। और इस तरीके से 2-3-4 जो रूप हैं उनका संक्षिप्त वर्णन करने के बाद फिर आप विद्यार्थी आते हैं विशेष पर। तो जो विशेष है, विशेष में क्या है कि एक तो यह हो सकता है कि जो गुण हैं, जैसे आप लिखेंगे कि गुण की परिभाषा देते हुए जो विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है कि द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति, जो गुण है और गुण की जो परिभाषा दी है, गुण की परिभाषा देते हुए कहा है कवि ने कि द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवान। क्या कहा है? द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति
सामान्यवान, यानी जो द्रव्य सामान्यवान, यानी जो द्रव्य और कर्म से भिन्न होता है और जो सामान्य से युक्त होता है उसको कहते हैं हम गुण। फिर उसके बाद गुणों के विषय में अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला जब बिंदु डालेंगे नंबर एक हो जाएगा विशेष में, और दूसरा लिखेंगे आप कि सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन में तीन गुण माने हैं, कौन से? एक है सत, दूसरा है रज, सतरज, और तीसरा है तम। ये जो तीन गुण स्वीकार किए गए हैं कौन से दर्शन में? जो सांख्य दर्शन है उसमें। कणाद मुनि हैं दर्शन, जैसे तीसरा बिंदु लिख देंगे हम कणाद, और कणाद जो मुनि हैं, कणाद मुनि ने 21 गुणों को स्वीकार किया है। दर्शन शास्त्र में 21 गुण स्वीकार किए हैं कणाद मुनि ने। इस प्रकार से इसका वर्णन करते हुए फिर हम जब व्याख्या उस पर व्याकरण टिप्पणी पे आते हैं तो देखिए व्याकरण टिप्पणी में जब आप देखेंगे तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो पृथकत्व यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी आपके। अब ये जो त्वत्व लगा हुआ है सब में, इनमें क्या एक प्रत्यय होता है विद्यार्थियों? कौन सा? त्व प्रत्यय होता है। ये आप लिख देंगे, जैसे मान लीजिए गुरुत्व है तो आप लिख देंगे गुरु शब्द है और त्व प्रत्यय है, इस प्रकार से आपका बन जाएगा गुरुत्व। फिर आप यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी, दुख प्लस इच्छा, ये गुण संधि है, और फिर यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, और यहाँ पर संस्काराह प्लस चतुर्विंशति, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, और गुणा है तो गुण शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो गुण हैं, जो उद्देश्य मात्र से जिसका कथन किया गया है उस गुण की व्याख्या पूर्ण हो जाती है। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो पदार्थ प्रकरण में ही जो हमारा अगला बिंदु है वो क्या? द्रव्य गुण कर्म। तो आगे जब हम पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे? कर्म को, कि कर्म के भेद कितने होते हैं, कर्म किसको कहते हैं, कर्म के विषय में अन्य विद्वानों ने क्या कहा है। कि जब हम आलोचना पूर्वक वर्णन करते हैं तो जो नंबर देने वाला विद्वान होता है, जो परीक्षक होता है, जो हमारी कॉपी की जांच करता है, उसको नंबर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से आपको वर्णन करना है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।